मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को ही जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना ज्यादा अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगते रहने से अधिक अच्छा है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। आपके आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो पर वह समुद्र को नहीं सुखा सकती। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं।